हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ऋषि के श्राप से मेरा दिव्य ज्ञान और विज्ञान दोनों लुप्त हो गए हैं। सो हे राम, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस शरीर से मुक्त करो। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को ये विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं। और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहाँ? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच का संहार करके तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय निष्कंटक कर दिया। तपस्वी मुनि जनों की ओर से हम तुम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिले ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से ही हम उन दुष्ट निशाचरों का नाश कर सके। यही तुम्हारी महानता है राम। सब कुछ करते हो पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। महामहिम के चरणों में। गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। नहीं पूरी तरह उजड़ा हुआ और नहीं पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम। ये बड़ा विचित्र स्थान है जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हां, एक अभागन नारी जिसके साथ
एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव, ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? ये एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई, परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन पद रज की महिमा भारी। लक्ष्मी सेवित उन चरणों में स्थान दिया। ऋषि गौतम द्वारा श्राप जो पाया श्राप वही वरदान हुआ। गई तन की जड़ता
परी जो अति मन भावा सोई बर पावा गई पति लोक आनंद भरी गई पति लोक आनंद भरी गई पति लोक आनंद भरी कबंध राक्षस पर प्रहार करने वाले वीरों तुम दोनों कौन हो? सच सच बताओ, क्योंकि संसार में केवल दो ही वीर ऐसे हैं जो मेरी बाहें काट सकते हैं। ऐसे कौन से वीर हैं वो? श्री राम और लक्ष्मण। तुम राक्षस होकर राम और लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मैं वास्तव में राक्षस नहीं हूं। इस ऋषि स्थूल शिरा के श्राप से मैं राक्षस बन गया, और उन्होंने ही कहा था, जब श्री राम अपने भाई के साथ अपनी भार्या को ढूंढते हुए यहां आएंगे तो वही तेरी विशाल भुजाएं काटकर अपने हाथों से तुम्हारे इस शरीर को अग्नि में भस्म कर देंगे। तब तुम शाप मुक्त हो जाओगे। यदि तुम वही राम हो तो सच सच बताओ, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना भी तुम्हें देनी है। मैं ही राम हूं भाई। मेरी पत्नी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना क्या है? मुझे तो केवल इतना ही मालूम है कि रावण नाम का राक्षस मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है, परंतु वो कहाँ रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, ये हम नहीं जानते। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके उसके संबंध में हमें पूरी सूचना दो। अभी नहीं दे सकता, मेरा ये राक्षसी शरीर श्राप जनित है। ऋषि के श्राप से मेरे सुंदर शरीर के साथ मेरा दिव्य ज्ञान और विज्ञान
दोनों लुप्त हो गए हैं। यदि आप मुझे गड्ढे में डालकर मेरे इस शरीर का दाह करोगे तो ही मैं अपने वास्तविक गंधर्व रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु हम तुम्हें जीवित कैसे जला दें? हे राघव, इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं शस्त्र प्रहार से नहीं मारा जा सकता। उसका एक ही उपाय है कि ऋषि स्थूल शिरा के कथनानुसार अग्नि में जलाने से ही मैं इस विकराल शरीर के बंधन से मुक्त होकर अपने असली शरीर को प्राप्त करूंगा। इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है। शाप के कारण मेरा ज्ञान और विज्ञान दोनों ही नष्ट हो गए। बड़ी अद्भुत कथा है। परंतु ये सत्य है, मैं दनु नाम का गंधर्व हूँ। पूर्व काल में मैं बड़ा बली और पराक्रमी था, इतना सुंदर कि इंद्र, सूर्य और चंद्र की भांति मेरा शरीर मनोहर और तेजस्वी था। फिर भी मैं कौतुक के लिए भयानक राक्षसी रूप धारण करके ऋषि मुनियों को डराया करता था। उसमें मुझे आनंद मिलता था। एक दिन स्थूल शिरा नाम के एक तेजस्वी महर्षि वन में मिले। उनकी महत्ता जाने बिना मैंने उन्हें बहुत सताया। वो कुपित हो गए। उसी समय जल हाथ में लेकर और अग्नि को साक्षी करके उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये भयानक रूप ही सदा तेरे लिए तेरा असली रूप हो जाए और तू राक्षस वृत्ति से ही जिए। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, विनती की कि इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता दे। तब उन्होंने कहा, हमारा श्राप विफल नहीं जा सकता, किंतु हम तुम पर दया करके बताते हैं, जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित यहाँ आएंगे और वो तुम्हारी दोनों विशाल भुजाएं काटकर यदि अपने हाथों से शरीर का दाह संस्कार करेंगे तो फिर से तुम्हारा सुंदर स्वरूप और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। एक बार मेरा इंद्र से युद्ध हुआ। दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त होने के कारण वो मुझे मार तो नहीं सका, परंतु इंद्र के वज्र प्रहार से मेरा सिर और दोनों टांगे मेरे कबंध में ही घुस गईं। तब से मेरा शरीर केवल कबंध मात्र रह गया है और मैं अपनी लंबी लंबी भुजाओं से वन के पशु पक्षियों को पकड़कर खा लेता हूँ। सो हे राम, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस शरीर से मुक्त करो। सूर्य अस्त होने से पूर्व ही मुझे किसी गड्ढे में डालकर मेरा दाह संस्कार कर दो। तब मैं एक ऐसे महापुरुष का पता आपको बताऊंगा जो आपकी सहायता करेंगे। अच्छी बात है लक्ष्मण, तुम गड्ढा खोदकर चिता तैयार करो। जो आज्ञा भैया। राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी करुणामयी दृष्टि के कारण
मैंने पूर्व के समान अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त किया है। अब मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो देख सकता हूं वो सुनाता हूं। रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है, पुलत्स्य ब्रह्म का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजयी हो गया है। वो दानवों अर्थात पूर्व देवताओं का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जहां वो गया है वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती, परंतु मैं जो देख रहा हूं वह बताता हूं। दक्षिण की ओर जाने पर आपको एक परमवीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी। वो सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आप शीघ्र ही उनके पास जाइए और उनसे मित्रता कीजिए। मैं देख रहा हूं कि अंत में आप रावण पर विजय पाएंगे। परंतु ऋषिमुख पर्वत तक जाने का कौन सा मार्ग है? आप पश्चिम दिशा को होते हुए दक्षिण प्रदेश के कई पर्वत और नदियों को पार करके पंपा सरोवर नाम के एक सुंदर सरोवर पर पहुंचेंगे। वहां महामुनि मतंग का आश्रम है। उनके तपोबल के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जाने से ही प्राणी में हिंसा की समस्त वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। मतंग मुनि नहीं रहे, परंतु उनकी एक परम शिष्या महातपस्विनी शबरी अब भी वहां रहती है। वो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वो आपको भगवान मानकर नित्य प्रति आपकी पूजा करती है। जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का आगे का मार्ग बताएंगी। हे राम, आप शोक ना करें, आप अवश्य विजयी होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महात्मा, आपको अपना अभीष्ट लोक प्राप्त हो। भिलनी परम तपस्विनी शबरी दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारे, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारे। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। शबरी की उम्र गई।
मेरे राहा मेरे राहा नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को ना रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू नित प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए, तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे, इस भीरनी को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः आप दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। राह, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि भीलनी पागल हो गई हो। हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। मेरे राह आप फिर आ गए मेरे फूलों में। हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं, आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप हैं कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। कुटिया में मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। प्रभु क्षमा कर देना। प्रभु मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई। हे दयानिधा दयालु है, आप दयालु है, मुझे क्षमा कर देना। प्रभु मेरे प्रभु आइए आइए मेरे प्रभु आइए। पधारिए प्रभु, पधारिए प्रभु, आइए
आपके चरण कमलों के मुंह से आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। राजी मेरे प्रभु, राजी राजी राजी, मैं आपके चरण पकारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ, फल फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाई। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से, खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक चक कर रखे हैं। लक्ष्मण खाओ। अच्छे है ना, मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वह यज्ञ किया करते थे उसमें अभी तक एक तेज एक प्रकाश की आभा छलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वह स्थान, और कितनी भाग्यशाली है आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगे। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे।
तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगी और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगी। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है, अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे। आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषिमुख और मल्याद्री नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने चार मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अविष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप वो स्थान देखेंगे प्रभु, मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए, वो स्थान दर्शन करने योग्य है। पधारिए प्रभु, पधारिए, आइए। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति ज्ञान धर्म कुल गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति के पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरु जी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारविंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूं, आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुनगन, करई कपट तज गान।
मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ दम सील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा तुम सम हरि भय नक देखा हरि ते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन चल ही ना हरि भरोस यह रश नदीना नवधा भक्ति सपरी कह दीनी सादर सपरी शीश धरली आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है वह सदा बनाए रखना, ऐसी दया करना कि मेरा चित इन श्री चरणों से कभी विमुख न हो। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। माई, मंथरा माई, कौन कौन बुला रहा मुझे? क्यों बुला रहा है? हम तुमसे मिलने आए हैं माई। कह रही हो माई? माई मंथरा, तुम तो हमारी माता के समान हो। हम तो वही तुम्हारी गोद में खेले बालक हैं मां। चलो, तुम्हारा स्थान राजभवन में पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित है। चलो, देखो देखो तुम्हें लेने कौन कौन आया। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ।
मैं पहनाती हूँ। आचल आ, ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ आ, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण, चल निकल। नहीं, नहीं। ऐसे क्या देख रही हो देवी, इन्हें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद? नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं आपके ठोकरों में पड़ने के योग्य भी नहीं हूं। मुझे दंड दीजिए देवी, लक्ष्मण तुम्ही मुझे दंड दो, तुम्ही मुझे दंड दो। उस दिन शत्रु के हाथ से भरत ने मुझे क्यों बचाया? तुम दंड दो लखन जी, तुम दंड दो। माई, महाराज राम, महारानी सीता तुम्हें अपने साथ आदर पूर्वक ले जाने आए हैं। ऐसे नहीं लक्ष्मण, मंथरा माई को पहले प्रणाम करो। सीते, देवी के चरण छुओ, ये तुम्हारी सास के समान है। नहीं, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। नहीं सीता, नहीं, मैं तुम्हारी अपराधी नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं सीता, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं सीता। पश्चाताप करते करते 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए। राम जी, राम, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जिस नारी ने प्रपंच रचाकर रघुकुल के सुख सौभाग्य में आग लगाई, आपको माता सीता के साथ 14 वर्ष वन वन भटकाया, उसका भी मां कहकर सम्मान कर रहे हो। आप क्षमा और दया की सीमा है, आपकी महिमा अपरंपार है रघुनंदन।